अननेसेसरी मुसलमानों को टारगेट करके धर्म के नाम पर पकड़ा जा रहा है। 6 महीने में अल्लाह जाने कौन कौन से जुल्मे वो पकड़े जाएंगे, बलि का बकरा मुसलमान बनेगा, ये पक्की बात है। इनके कमिटमेंट है पूंजीपतियों से कि इनको बर्बाद कर देना है। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलैना खान। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का दावा है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों पर जुल्म और बढ़ेगा। भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम करके मुद्दों को भटकाती है, विकास की बात नहीं करती। आपको बता दें कि रामपुर से सांसद आजम खान की गैर मौजूदगी में अबू आसिम आजमी समाजवादी परिवर्तन यात्रा का परचम लेकर यूपी के दौरे पर हैं। आजमगढ़ में पले बड़े आजमी महाराष्ट्र के बड़े बिजनेसमैन हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और अभी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। द लीडर के साथ खास बातचीत में अबू आसिम आजमी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आजमी साहब, अभी आप समाजवादी परिवर्तन यात्रा लेके निकले हुए हैं यूपी में, क्या आम जनता को मैसेज पार्टी? देखिए, ये हर बार जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन से ये अलग डिफरेंट है। अब जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, ये लोग इस देश की पूरी के पूरी जितनी सिस्टम उसको चेंज कर देना चाहते हैं। ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगी हुई है, अब अस्पताल नहीं बन रहा है, दवाएं नहीं मिल रही हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ये जो है दिल्ली में सब बिल्डिंगें तोड़ करके पार्लियामेंट नया बनाएंगे, तो मतलब मुल्क की हालत बहुत ख़राब है। गरीबी बढ़ती जा रही है, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम 5 किलो उनको राशन दे रहे हैं, तो मुल्क की हालत ख़राब है। और हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम अननेसेसरी मुसलमानों को टारगेट करके धर्म के नाम पर पकड़ा जा रहा है। जबकि जब वीडियो बन रही है, जो दो हिंदू बात करते हैं आपस में और एक को मुसलमान बताते हैं और इसको वायरल करके हिंदुओं में मुसलमानों की इमेज को ख़राब करते हैं, इसलिए परिवर्तन करना ज़रूरी है। बहुत सारे इलेक्शन आए, हम लोगों ने इतनी मेहनत नहीं किया, आज इसलिए कर रहे हैं कि ये 2022 में और 2024 में दोनों को हटना ही चाहिए, वरना इस देश का जो संविधान है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो सब टूट जाएगा। यूपी में इस समय दो बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है किसानों का, जो हमने लखीमपुर में देखा है, उसमें 4 किसान मारे जा चुके हैं और सरकार का रवैया भी हमारे सामने है, वो जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अहंकार घमंड इतना हो गया है कि जो लोग भी बैठे हैं सरकार में, वो समझते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है, जो चाहो कर लो। किसान आंदोलन कर रहा है, आंदोलन तो अंग्रेज़ों के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में लोग करते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता था। गाड़ी उठा करके सीधा मारते चले गए और अभी जो वीडियो आया हुआ है उससे लगता है कि इतना कि हमारा क्या हो क्या सकता है। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क टूट जाएगा। किसान 9-10 महीने से बैठा हुआ है और किसान वही तो कह रहा है कि भाई ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है जो आपने बनाया, और कानून उनके लिए बना हुआ है। जब वो नापसंद करते हैं तो उस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए और फिर एक बार किसानों को बुलाकर, वो क्या कहते हैं कि अपोजिशन के लोग इनको जो है भटका रहे हैं, ये असली किसान नहीं है, असली किसान को बुलाइए आप, कानून ख़त्म कीजिए और उन बात करके पार्लियामेंट में एक नया बिल लाइए और नया कानून बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उसमें। लेकिन इनके कमिटमेंट है पूंजीपतियों से कि इनको बर्बाद कर देना है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज़ कर रहा था, वो हुकूमत कर रहे थे, वो आज ये सेम कर रहे हैं। हर चीज़ बेची जा रही है, कोई चीज़ छोटी नहीं जा रही। मैं कहता हूँ यहाँ के हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को, नॉन मुस्लिम्स को सोचना पड़ेगा आज कि 2 करोड़ की नौकरी देने वाले थे, नौकरी ले रहे हैं वापस, रेलवे बेच दिया इन्होंने, एयर इंडिया बेच दिया, कितनी चीज़ें बेच दिया, इन सब में नौकरियाँ मुसलमानों की 1% या 2% थी, सब उनकी नौकरियाँ हैं। उनको अब तनख्वाह कम मिलेगी, 12 घंटे काम करना पड़ेगा, उनका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। ये सवाल तो उनके लिए, उनको ये मीडिया के ज़रिए उनको बताना चाहिए, लेकिन मीडिया को जो सवाल करना चाहिए ना, जो नेशनल मीडिया है वो सवाल करता नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाना पाकिस्तान हिंदुस्तान फालतूगिरी करता है। यूपी में जो अवैध धर्मांतरण के नाम पे लगातार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ATS ने आज ही एक बयान जारी किया है कि इसी साल जून से लेकर अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के आज भी दिल्ली में जो शाहीन बाग में उनका घर है, ATS ने वहाँ तलाशी ली है। तो जिस तरीके से, जिस तेज़ी से सरकार कार्रवाई कर रही है, क्या ये यूपी चुनाव से पहले वही माहौल बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं धर्मीकरण का? अभी और कुछ हो सकता है। यूपी चुनाव के पहले धर्मांतरण के नाम पर पकड़े गए लोग, आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए लोग, और 6 महीने में अल्लाह जाने कौन कौन से जुल्मे वो पकड़े जाएंगे, बलि का बकरा मुसलमान बनेगा, ये पक्की बात है 6 महीने तक, क्योंकि इनके पास कोई इशू नहीं। ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं और मीडिया जो सवाल करना चाहिए उस सवाल करने के बजाय ये धर्मांतरण और ये अब्बा जान ये सब फालतूगिरी कर रही है। देखिए, अगर धर्मांतरण कोई ज़बरदस्ती करता है तो उसको जेल होना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि जिनको गिरफ्तार किया गया, इन लोगों ने एक आदमी को भी ज़बरदस्ती धर्मांतरण नहीं किया होगा।
और धर्मांतरण जबरदस्ती अगर किया गया था तो आगरा के अंदर कबाड़ियों को बैठा करके हवन में बिठाया गया और उन्होंने कहा कि हमने धर्म कबूल नहीं किया हिंदू, लेकिन उनके साथ कुछ नहीं हुआ। और आपने देखा अलीगढ़ में मंच लगाया कि आओ धर्म परिवर्तन करो, ये इस खुलेआम कह रहे हैं 2100 जोड़ों को बेटी बचाओ और बहू लाओ लाओ के नाम से मुसलमान की लड़कियों को लाएंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये क्या मतलब हुआ? आप ज़बरदस्ती किसी शरीफ आदमी को पकड़ो, जो आदमी कानून के दायरे में रहकर 18 साल की उम्र के बाद का जो आदमी अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, उनको आप पकड़ करके उनको आप आतंकवाद में बंद करो, और जो लोग खुलेआम कह रहे हैं उनको आप छूट मिल जाए। तो देश का कानून तो ख़त्म हो गया ना, इसलिए इनको हटाना चाहिए। यूपी के दौरे पे आप निकले हुए हैं, तमाम जगहों पे जा रहे हैं, माइनॉरिटी की बीच से क्या उनके रुझान मिले? नहीं, माइनॉरिटी बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ में है और माइनॉरिटी जानती है कि समाजवादी पार्टी हरा सकती है। माइनॉरिटी ये भी जानती है कि पिछली जितनी सरकारें आई हैं इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया समाजवादी पार्टी ने किया है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब जो है ना बीजेपी घबरा चुकी है, बिल्कुल परेशान हो चुकी है, और बीजेपी जो है अब हमारी बातों को कहीं ना कहीं मोड़ करके दिखाना चाहती है कि अब कि मैंने अगर मुझे कह रहे हैं कि अबू आसिम ने कहा कि जिसको मुस्लिम राज्य जिसको यहाँ पे मुस्लिम लीडर बनना हो वो पाकिस्तान जाओ, मैं कह रहा हूँ कि हम अगर मुआवजना करेंगे तो पाकिस्तान से क्यों करेंगे, हमें यूएस से जाओ, अमेरिका जाओ, अमेरिका से बात करो, अमेरिका में जहाँ पे हेल्थ का सबको सहूलत है, जिनको एजुकेशन की सबको सहूलत है, पाकिस्तान से क्यों मैं मुआवजा करूँगा। ये घबराए हुए लोग हैं, अब इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने वाली है। अभी किसी ने एक भेज दिया, एक पार्टी ने, अबू आसिम कहते हैं जो समाजवादी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, मतलब बेहुदा बातें। इसी तरह से इनकी सोशल मीडिया बैठ करके बातों को काट के और जोड़ के उसको ये चीज़ें चला रहे, पोलराइजेशन। अरे तुम बात करो ना डेवलपमेंट की, तुम बात करो ना देश में अस्पताल की, ये सब बातें नहीं करते हैं। तो ये अब चलेगा 6 महीने तक, ये सब चलेगा नकली माल। लेकिन मुझे लगता है कि अब जनता अच्छी तरह जान चुकी है ये सब कुछ काम होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह अब की बार पूरी मेजॉरिटी से चुन के आने वाली है।